कहानी जो दिल को छू जाए, चलिए शुरू करते हैं। हमारी डे टू डे लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हम या तो बहुत गुस्से में, या झुझला कर, या बस यूं ही कुछ ऐसा कह जाते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए। आज मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर कर रहा हूं, जो मैंने यू कैन विन बाय शिव खेरा में पढ़ी थी। इसे ध्यान से सुनिए और इससे मिलने वाली सीख को गांठ बांध लीजिए। कहानी का नाम है बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया, पर जब बाद में उसे गलती का एहसास हुआ तो उसने एक संत के पास जाकर अपने शब्द को वापस लेने का उपाय पूछा। संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास पहुंच गया। तब संत ने कहा, अब जाओ और उस पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। किसान वापस गया, पर तब तक सारे पंख हवा में इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुंचा। तब संत ने उसे कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ भी होता है। तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो, पर चाहकर भी वापस नहीं ले सकते। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कुछ कड़वा बोलने से पहले ये याद रखिए कि भला बुरा कहने के बाद कुछ भी करके अपने शब्द को वापस नहीं लिए जा सकते। हाँ, आप उस व्यक्ति को जाकर क्षमा जरूर मांग सकते हैं और मांगनी भी चाहिए, पर ह्यूमन नेचर कुछ ऐसा होता है, कुछ भी कर लीजिए कहीं ना कहीं हर्ट हो ही जाता है। जब आप किसी को बुरा कहते हैं तो वह उसे कष्ट पहुंचाने के लिए होता है, पर बाद में वह आप ही को अधिक कष्ट देता है। खुद को कष्ट देने से क्या लाभ, इससे अच्छा है चुप रहा जाए। मैं हूँ आपका दोस्त नयन, फिर से लेके आऊंगा एक नई कहानी। मिलते हैं।